तो बावलोग आज बात करेंगे मेलॉर टारगेरियन के बारे में, जिसकी वजह से हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है और जॉर्ज आर आर मार्टिन ने भी इस सीजन को काफी क्रिटिसाइज किया है। तो जानते हैं कौन क्या है ये बंदा और इसकी वजह से इतना पंगा क्यों, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट। तो बाबा, अकॉर्डिंग टू बुक मेलॉर टारगेरियन थर्ड चाइल्ड है एगॉन 2 टारगेरियन का, और शो में सिर्फ दो ही चिल्ड्रन का मेंशन हुआ है एगॉन 2 के, जहीरा और जहीरिस टारगेरियन का, लेकिन इसका मेंशन नहीं हुआ यानी मेलॉर टारगेरियन का, और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पार्ट है। जबकि बुक के अकॉर्डिंग इसका जन्म विसेरियस टारगेरियन के टाइम हो चुका था, 2 साल का तब ये बंदा हो चुका था, और जब एगॉन 2 लॉर्ड लैरिस के साथ भागता है तब वो अकेला नहीं होता, बुक के अकॉर्डिंग जहीरा और मेलॉर टारगेरियन भी इसके साथ भागते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र उस क्रिटिसिज्म पार्ट पर भी डाल लेते हैं, जिसका पहले 2 वीडियो में भी हम मेंशन कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ नए अंदाज में, जिसकी वजह से इतना हल्ला हो रहा है, पंगा हो रहा है। जब जहेरिस को मारने के लिए किलर आते हैं तब बुक में उनका मेंशन ब्लड और चीज कैरेक्टर से किया गया है, और वो दोनों एलिसेंट के चेंबर में घुस जाते हैं और वेट करते हैं हलीना और उसके तीनों बच्चों का। जैसे ही वो एंटर होते हैं तब चीज मेलॉर को हलीना की गोदी से छीन लेता है और सीधा बोलता है कि कौन से लड़के को मारा जाए, चूज वन। लेकिन हलीरा अपनी जान दांव में लगाकर कहती है कि बच्चों को छोड़ दो, मुझे मार दो। बट किलर यहाँ पर बोलते हैं कि यू आर नॉट अ सन, वी आर हेयर फॉर अ सन, फॉर अ सन। देन किलर फिर धमकी देते हैं कि हम जहीरा का रेप करें, इससे पहले तुम चॉइस बता दो कि किसे मारना है और किसे नहीं। इतने में हली नाम मेलॉर का नाम दे देती है, ये सोचते हुए कि मेलॉर अभी छोटा है, उतना उसे समझ में नहीं आएगा, और अगले ही पल किलर एक ही झटके में जहेरिस की गर्दन उड़ा देते हैं और उसकी मुंडी लेकर भाग जाते हैं। तो बाबा, ये है वो छोटा सा मेलॉर टारगेरियन जिसके पीछे इतना हाय हल्ला हो रहा है। लेकिन जब ये किंग्स लैंडिंग से भागते हैं तब किंग्स लैंडिंग के एक गार्ड रिकर्ड थ्रोन को मेलॉर को सही सलामत ओल्ड टाउन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, और इनके भागने के तुरंत बाद रनीरा ने इनको पकड़ने के लिए इनाम भी निकाला और नाइट्स भी पीछे लगा दिए थे। इसके बाद रिकर्ड मेलॉर को अपना बच्चा बनाकर छुपते छुपाते हॉक्स हेड नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें रात बितानी थी, लेकिन पहचाना गया वही काम करने वाले एक लड़के के द्वारा जिसका नाम स्लाई था। देन रिकर्ड भागने की कोशिश करी तो एक क्रॉसबो मैन ने उसे पीछे से तीर मारी और वो वहीं पर मर गया। देन एक वॉशरबो मैन ने तुरंत मेलॉर को रिकॉर्ड से छीन लिया, और जब स्लाई, क्रॉसबो मैन एंड वॉशरबो मैन ये तीनों डिस्कस कर रहे थे कि इसकी किंग्स लैंडिंग को वापस भेजा जाए या फिर ग्रीन्स आर्मी के लॉर्ड ऑर्मंड के पास भेजा जाए जो पास में ही थे, तो कहाँ से अच्छी हमें कीमत मिल सकती है, और इतने में इन तीनों के बीच बहस हुई और इसी जद्दोजहद छीना झपटी में मेलॉर मारा गया, और बाद में मेलॉर का हेड रेनीरा को भेज दिया गया, जहाँ वो बहुत शॉक्ड हुई इस छोटे से बच्चे को बिना कारण मरा हुआ देखकर, और बहुत गिल्टी भी हुआ कि हमारी सत्ता पाने की लालच में ये नन्ना मासूम मारा गया। तो बाबा, ये थी मेलॉर टारगेरियन की कहानी, जो आगे जाके एक अच्छा बिल्डअप दे सकती थी स्टोरी को जब रेनीरा मरने वाली थी, क्योंकि इसके पीछे बहुत से र्यूमर्स भी हैं। बस ये नन्ना मासूम सा लड़का बस मरने के लिए ही आया था इस धरती पर। बाकी भाई, मेलॉर टारगेरियन पर काफ़ी बातें चल रही हैं, जॉर्ज आर आर मार्टिन काफ़ी नाराज हैं कि बुक से क्यों छेड़खानी करेगी, जब बुक में इतना अच्छा मेंशन करा गया है तो आप उसी को सीधे स्क्रीन प्ले में दिखा सकते थे ईजली। तो बाबा, मेलॉर टारगेरियन के बारे में और किस किस को पता है, और रनीरा टारगेरियन की डेथ इस मेलॉर टारगेरियन से कैसे कनेक्टेड है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स पर नीचे बता के जाना, अगर कोई ज्ञान का देवता यहाँ पर बैठा है तब। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।